ओम शांति। आज 16 अक्टूबर की शिरोदान में आप सबका स्वागत है। उमंग और उत्साह, हर समय हर क्षण में रहना, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सबसे मुख्य चीज़ है कि अपना जो पार्ट है, हमारा जो रोल है, जिसके हमें परमात्मा ने यहाँ पर वो गुण देके भेजे हुए हैं, उससे हमें संतुष्ट रहना है। लेकिन जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं, और ज़्यादातर हम कंपेयर करते हैं कि उसकी सैलरी कितनी, मेरी सैलरी कितनी, उसकी कमाई कितनी, मेरी कमाई कितनी, तो हम इस उलझन में पड़ जाते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो मेरे टैलेंट्स हैं, क्या वो ठीक हैं? क्या भगवान ने मुझे इसी के लिए भेजा हुआ है? मुझसे ज़्यादा वो कमा रहा है या उस मेरी उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा है? और यहीं पर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि मुझे ऐसे क्यों बनाया भगवान ने, या मैं ही ये काम क्यों करूँ, कोई और क्यों नहीं करता है। तो परमात्मा ने हमें बहुत सिंपल तरीके से समझा है कि अपने उमंग उत्साह को बना के कैसे रहना है हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, चाहे वो जैसी भी हो। तो सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मभावा, ज्ञान योग के साथ साथ हर समय जो हमें ज्ञान मिला हुआ है अपने पार्ट का, हम कौन हैं, कौन बनना है हमें और कौन थे हम, ये तीनों हमें चीज़ें पता चल गई हैं कि पास्ट में हम कौन थे सत्यत्रता में, अभी हमें क्या बनना है या क्या बन रहे हैं अभी हम, क्या बनने के लिए भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें जब हमें याद होती हैं तो हम आराम से ज्ञान योग में तो होते हैं, लेकिन फिर साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। अब कई लोग हैं जो कि ब्रह्म कुमारी सेंटर पर रहते हैं, हर दिन सुबह उठना, हर दिन 4 बजे उठना, हर दिन मेडिटेशन करना, हर दिन मुरली सुनना, हर दिन प्रैक्टिस करना, और कई लोगों को ये 5 साल, 5 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल में अगर बोरियत लगती है तो इसके परमात्मा कहते हैं कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, हर कोई तो हर चीज़ नहीं करता है ना। ब्रह्म कुमारी इसमें जो भी सेंटर चल रहे हैं, चाहे ब्रह्म कुमारी से ना हो, जो भी अगर आपका ऑफिस चल रहा हो, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही हो, हर किसी का एक जैसा काम नहीं होता है। लेकिन चाहे सफाई का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। लेकिन वहीं पर अगर कोई सोचे कि मेरा ही काम है भाड़ा मांजने का, मेरा ही काम है साफ सफाई करने का, मुझे कब लेक्चर देने का टाइम मिलेगा, मुझे कब किसी को स्टेज पर आकर के ज्ञान सुनाने का टाइम मिलेगा, परमात्मा कहते हैं हर किसी को अपने पार्ट में संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हर कोई जो भी रोल कर रहा हो, चाहे जितना साधारण रोल कर रहा हो, वो साधारण रोल करते हुए भी आप बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हो। आप एक साधारण व्यक्ति होते भी आप किसी भी राजा को भी आप ज्ञान दे सकते हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को भी आप ज्ञान दे सकते हो, किसका? ज्ञान योग विद्या का। तो परमात्मा कहते हैं कि एक साधारण ब्राह्मण भी जो अगर सिंपल कार्य कर रहा हो लेकिन उमंग उत्साह में कर रहा हो, ये ना कंप्लेन करते हुए ना कर रहा हो कि मेरा क्या पार्ट है, मेरा क्या रोल है, मुझे कब समय मिलेगा, मुझे कब टाइम मिलेगा, मेरा यही जिंदगी है, मेरी यही जिंदगी है, मेरी इतनी कमाई है। और हम लौकिक कमाई तो करते हैं, एक ही स्कूल से पढ़े, एक ही कॉलेज से पढ़े, उसकी कमाई इतनी, मेरी कमाई इतनी, वो वहाँ पहुँच के मैं यहाँ पर बैठा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप अपने रोल को कंपेयर करोगे औरों से तो आप एज अ सोल कभी भी संतुष्ट नहीं पाओगे, और हो सकता है कि आपका और भी अच्छा रोल होने वाला हो लेकिन आप उस असंतुष्टता के कारण आप अपने उस रोल तक पहुंच ही नहीं पाओ, फिर से जन्म लेना पड़े उस रोल तक पहुंचने के लिए, तो वो कैसा रहेगा? तो इसलिए अभी ही संतुष्ट, अभी ही उमंग उत्साह, और असंतुष्टता के कारण हमारा उमंग उत्साह बहुत खत्म होता है, कम होता है हमारा। तो संतुष्ट रहे, उमंग उत्साह, जो हूँ जैसा हूँ भगवान का हूँ, जो गुण दिए हैं, जो शक्तियाँ दी हैं उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ दी है, मुझे किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है, मुझे किसी के जैसे नहीं बनना है, मुझे परमात्मा गाइड कर रहे हैं, मुझे उनकी श्रीमत पर चलना है बस। और उमंग उत्साह में रहना, चाहे जितना छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, उसको मुझे खुशी खुशी करना है। वो कब हो पाएगा? जब हम मेडिटेट करते हुए कर्म करेंगे, जिसको कहते हैं कर्म योग, योग परमात्मा से और कर्म में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातों में फंसे हुए नहीं। ये प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को प्रैक्टिस करानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और नहीं आके करेगा। करना कैसे वो सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी इसमें। ओम शांति।